পরবর্তী দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ মিশন এমবিবিএস বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নম্বরে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নমস্কার। শক্তিপীঠ দেবী বর্গা ভীমা মাতা কে চরণোঁ মে মে প্রণাম করতা হুঁ। ক্রান্তি কি ধরতি মেদিনীপুর, জহাঁ শায়দ হি কোই গাঁও হো জহাঁ সে স্বাতন্ত্রতা সেনানি না নিকলা হো, इस धरती को मैं आदर पूर्वक वंदन करता हूं। संथाल आंदोलन हो, चुवाड़ आंदोलन हो, ताम्रलिप्त जातीय सरकार का गठन हो, हर क्रांति के समय मेदिनीपुर अग्रणी रहा है, लीडर रहा है। देश प्राण वीरेंद्रनाथ श्वासमल, मां मातंगिनी हाजरा, शहीद खुदीराम बोस, क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो, सुशील कुमार धारा जैसे अनगिनत अनेक क्रांतिवीर इस धरती ने दिए हैं। भाइयों और बहनों, आजादी के लड़ने वाले हर नायक नायिकाओं को सम्मान देने के लिए पूरा देश आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल के उत्सव में पश्चिम बंगाल का विशेष महत्व है। आजादी की लड़ाई में दिए गए हर योगदान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्पों का भी अहम केंद्र है। आज जो युवा 25 साल की उम्र के हैं, जो 25 साल के हैं, और वो युवा जो आज इस चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार अपने पवित्र मत का योगदान देने वाले हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अहम है। यहां के युवाओं के सामने आने वाले 25 साल के पश्चिम बंगाल के निर्माण का दायित्व है, और इसलिए आसोल परिवर्तन, आसोल परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहां सुन रहा है। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी,
दो मई दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे। साथियों दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही है। दीदी उन बहनों उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोला बाजों ने लूट लिया। यहां केंद्र सरकार ने जो राहत भेजी थी वो भाईपो विंडो में फंस गई। दीदी ओ दीदी दीदी आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी। गरीब का चावल किसने लूटा। अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला। पश्चिम बंगाल यहां का बच्चा बच्चा, दीदी यहां का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा अपना के दोरजा देखावे, लोकेरा अपना के दोरजा देखावे। दीदी ओ दीदी, अरे दीदी ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। पूरन चंद्र दास, मदन घाई, शेख लिया कतली, वासुदेव माइली और गोकुल चंद्र जना मेदिनीपुर की ऐसी अनेक संतानों को तृणमूल ने शहीद किया है। इसकी सजा भाजपा सरकार तो देगी ही, लेकिन उससे पहले पोलिंग बूथ पर हमारी माताएं बहनें आपके कुशासन को सजा देने का तय करके बैठी है। आमादेर मायरा पाए हेंटे बेरियास में माताएं बहने टीएमसी को इस चुनाव में सजा देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल चुकी है। मैं जहां देख रहा हूं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, ये मैदान छोटा पड़ गया। मैं हेलीपैड पे देख रहा था हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े हैं। ये तस्वीर दीदी
आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो। महिलाओं ने तय कर दिया है टीएमसी का खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे, विकास आरंभ होवे। भाई और बहनों, बंगाल का विकास, यहां के लोगों का विकास, ये बीजेपी का कमिटमेंट है, ये बीजेपी का संकल्प है। बंगाल का उज्जवल भविष्य, इसके लिए हम जी जान से जुट जाएंगे, ये वादा करने में आया हूं। भाइयों बहनों, बांग्ला चाय सिक्का शिल्पो कौर्म संस्थान, बांग्ला चाय नारी सुरक्षा, बांग्ला चाय कुशोक सम्मान, बांग्ला चाय कर्मचारी सम्मान, बांग्ला चाय बीजेपी सरकार, बांग्ला चाय दोरकार बीजेपी सरकार, बांग्ला दोरकार बीजेपी सरकार। बीजेपी का संकल्प बंगाल के गरीब से गरीब तक, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने का संकल्प है। बीजेपी हर स्कीम को स्कैम से मुक्त करेगी, कट मशीन पर रोक लगाएगी, कट कमीशन पर भी रोक लगाएगी। बीजेपी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा लाभ देने के लिए डीबीटी देने के लिए कदम उठाएगी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई तोलाबाज नहीं। साथियों, ये बीजेपी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसकी हर योजना के केंद्र में नारी शक्ति है, माताएं बहन बेटियां है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने बहनों के लिए शौचालय इज्जत घर बनवाए, बीजेपी की सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिया, एलपीजी गैस कनेक्शन दिया, पक्के घर की रजिस्ट्री बहनों के नाम की। कोरोना काल में सैकड़ों करोड़ रुपए की सीधी मदद बहनों के जनधन खातों में पहुंचाई। अब बीजेपी की केंद्र सरकार पूरे देश में बहनों की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए घर घर जल पहुंचाने की योजना चला रही है। लेकिन तृणमूल की सरकार ने यहां ये भी नहीं होने दिया, टीएमसी सरकार को आपकी परेशानियों की चिंता नहीं है, आपकी मुश्किलों की चिंता नहीं है। साथियों, बहनों बेटियों के लिए जो काम केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है, उसको डबल इंजन की सरकार कई गुना बढ़ाने वाली है। बंगाल में बीजेपी का संकल्प पत्र भी सामने आ चुका है। मैं बंगाल बीजेपी के सभी नेताओं को
बंगाल बीजेपी की टीम को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जो संकल्प पत्र बनाया है, जनता की आवाज को सुन करके बनाया है, लोगों की मुसीबतों को समझ करके बनाया है, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए बनाया है, बंगाल के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां के नौजवानों, यहां की महिलाएं, यहां के किसानों के विकास को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र बंगाल बीजेपी ने तैयार किया है। भाइयों और बहनों, मेदिनीपुर भारत की कृषि आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा केंद्र है। खेती में फसलों को लेकर यहां नए नए प्रयोग हो रहे हैं। यहां अनेक जगह हमारे किसान प्रॉन फार्मिंग में जुटे हैं, लेकिन दीदी की सरकार ने यहां के किसानों को आधुनिक मंडी की सुविधा, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की सुविधा से भी वंचित रखा है। अब ये स्थिति नहीं रहेगी। भाजपा लोकल के लिए वोकल है, लोकल के लिए वोकल, ये हमारा कमिटमेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले के अहम उत्पादों को विकसित करने के लिए काम कर रही है। यहां के काजू किसान हो, पान किसान हो, जूट किसान हो, आलू और नारियल किसान हो, हर किसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ मिलेगा। जूट किसानों के लिए तो केंद्र सरकार निरंतर कदम उठा रही है। हमने जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक के बाद अधिक कदम उठाए, इसका सीधा लाभ ये जूट किसान को होने वाला है। जय जूट किसान का जय जयकार हिंदुस्तान के हर कोने में होने वाला है। गेहूं की पैकेजिंग 100% जूट से हो रही है। प्लास्टिक की पैकेजिंग की जगह अब जूट के पैकेज देश में उपयोग हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, बंगाल का किसान भूल नहीं सकता कि कैसे दीदी ने उसके साथ निर्ममता दिखाई है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। ये पैसे टीएमसी सरकार को किसानों तक नहीं पहुंचने देना था। ये पैसे दिल्ली से भारत सरकार किसानों के खाते में जमा करना चाहती थी, लेकिन दीदी किसानों से दुश्मनी लेके बैठ गई। किसानों के खाते में भारत सरकार के पैसे नहीं जाने दिए। भाइयों बहनों, बंगाल के किसान, ये मोदी के शब्द लिख के रखिए, 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां के किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उन खातों में जमा करके रहूंगा मैं। हर किसान सरकार बनते ही बंगाल के हर किसान के खाते में पिछले 3 साल के जो पैसे दीदी ने नहीं देने दिया, मैं आपको दे के रहूंगा। भाइयों बहनों, मैं वादा पूरा करके रहूंगा। भूमिहीन किसानों,
मछुआरे साथियों के लिए भी बंगाल बीजेपी ने हजारों रुपये की सीधी सहायता देने का संकल्प किया है। यही डबल इंजन की सरकार की ताकत है जो अब बंगाल में दिखाई देगी। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल की तटीय अर्थव्यवस्था को तृणमूल की तोलाबाज और सिंडिकेट की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हल्दिया की क्या स्थिति बनाकर रख दी है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। कहां तो मेदिनीपुर को हल्दिया की तर्ज पर विकसित करना था और कहां हल्दिया के गौरव को सिंडिकेट ने तहस नहस कर दिया। अब इस समुद्री किनारे को हमारे मछुआरों को कट कमीशन और टोलाबाजी के कल्चर से मुक्त करने का समय आ गया है। आपके एक वोट की ताकत है, आपके एक वोट की ताकत है ये कट कल्चर कमीशन कल्चर ये टोलाबाजी रातों रात खत्म हो जाएंगे। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर भारत के लिए भाजपा ब्लू इकोनॉमी पर बल दे रही है। ऐसा विकास जिसमें समुद्री किनारे बसे हर परिवार की हर मछुआरे साथी की भागीदारी हो। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले ही हल्दिया पोर्ट के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गई थी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हल्दिया को नदी जल मार्गों से कनेक्ट कर रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टील प्लांट्स और अन्य उद्योगों के लिए जो आयात और निर्यात होगा उसका हल्दिया अहम सेंटर बनने वाला है। सिर्फ हल्दिया ही नहीं बल्कि डबल इंजन की सरकार इस पूरे क्षेत्र को, मेदिनीपुर को पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लाभ से जोड़ रही है। केंद्र सरकार पेटुआघाट फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण के लिए भी कदम उठा रही है। ये सारे प्रयास यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। भाइयों और बहनों, आपके पास जो ये विस्तृत समुद्री किनारा है इसमें टूरिज्म आधारित रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहां तीर्थाटन से लेकर क्रूज टूरिज्म की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। आपके पास दीघा बीच जैसी एक अनमोल प्राकृतिक विरासत है, बहुत बड़ी ताकत है। केंद्र सरकार अलग अलग सर्किट के माध्यम से देश में टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। अब डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी और इसका लाभ मेदिनीपुर को भी होने वाला है, यहां के हर परिवार को होने वाला है, हर मछुआरे को होने वाला है, हर किसान को होने वाला है, हर माता बहन को होने वाला है, हर नौजवान को होने वाला है। भाइयों और बहनों, जिस बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है उस बंगाल में ममता दीदी
बहिरा गोतो की बात कर रही है, बहरी गोतो आई भूमि बंकिम बाबूर, रवि ठाकुरेर, सुभाष बोसेर, मातंगिनी हाजरार, श्यामा प्रसाद मुखर्जीर बंगभूमि और भारत भूमि आमरा सबाई यही एखाने कोनो भारतवासी बहिरागत नय, सब भारत मातार सन्तान। साथियों, जिस बंगाल से गुरुदेव ने हर भारतवासी को एक माला में पिरोया और इसी धरती से गुरुदेव ने कहा और जो हम रोज कहते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, उस बंगाल में गुरुदेव की धरती से, उस बंगाल में दीदी बहिरागोतो की बात कर रही हो, टूरिस्ट कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। दीदी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगभूमि के लोग किसी को ये गुरुदेव की मिट्टी का आवाज है, किसी को बहिरा गोता नहीं मानते, बहिरा गोतो नहीं मानते। बंगाल में बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी के संतान की होगी, यही बंगाल की भूमि के संतान। साथियों, लोकतंत्र में हार जीत जनता के लिए किए गए सेवा कार्यों से तय होती है। आप सभी ने ममता दीदी को 10 साल काम करने का मौका दिया, आपके बीच आकर ममता दीदी की जिम्मेवारी थी वो आकर के 10 साल के काम का हिसाब दे, पल पल का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दे, ये चुनाव में उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन दीदी आपको हिसाब नहीं दे रही है, इतना ही नहीं, अगर कोई हिसाब मांगे तो उसको गालियां दे रही है, उन पर गुस्सा कर रही है। अरे जरा अपने पड़ोस में देखिए, असम में भी चुनाव चल रहा है, असम में एनडीए की सरकार है, इन 5 वर्षों में वहां तेजी से विकास के काम हुए हैं। पहले असम से लगातार हिंसा की खबरें आती थी, तनाव की खबरें आती थी, इन 5 वर्षों में असम में शांति आई है, स्थिरता आई है। जिन्होंने अलगाववाद का रास्ता चुना था वो मुख्य धारा में लौट आए हैं, जबकि दीदी के राज में यहां हिंसा, बम, बंदूक, उसी के धमाके सुनाई दे रहे हैं, उसी की खबरें आती हैं, पूरे पूरे घर उड़ जाते हैं, धमाकों से घर के घर, छत की छत उड़ रही है, और दीदी सरकार सिर्फ देख रही है। इस स्थिति को हमें मिलकर बदलना है। बंगाल को शांति चाहिए, बंगाल को स्थिरता चाहिए, बंगाल को बम बंदूकों और हिंसा से मुक्ति चाहिए, और ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है मेरे भाइयों बहनों, और बीजेपी करके दिखाएगी। दीदी, ओ दीदी, मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि वो सुनती नहीं किसी का।
दीदी, ओ दीदी, आपने खेला खेलन, आपने खेला खेलन, आमरा सेवा करबो, आमरा सेवा करबो, खेला नय सेवा होवे सेवा। बीजेपीर एकताई मंत्र, बीजेपीर एकताई मंत्र, गरीबेर रोजगार, गरीबेर बाड़ी, गरीबेर सम्मान। साथियों, दीदी इस बात से बौखलाई हुई है कि बंगाल के लोग उनका खेला समझ गए हैं, इसलिए तृणमूल वाले आजकल झूठ और प्रपंच पर उतर आए हैं। आप यहां देख रहे हैं कैसे नंदीग्राम को बदनाम करने के लिए एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठी बातें फैलाई जा रही। दीदी, आपको नंदीग्राम ने बहुत कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, अब आप नंदीग्राम के लोगों को बदनाम कर रहे हो, आप नंदीग्राम के लोगों पर झूठे आरोप लगा रही हो, आप नंदीग्राम के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में भर में बदनाम कर रही हो। ये नंदीग्राम के लोग, दीदी ये नंदीग्राम के लोग ये अपमान नहीं सहेंगे और दीदी तुम्हारा जवाब मांगेंगे। नंदीग्राम के स्वाभिमान लोग आपको इस अपमान की सजा देंगे और इस चुनाव में जरूर देंगे। भाई और बहनों, तृणमूल का सरोकार है कट, कमीशन, तोलाबाजी और सिंडिकेट के अंधकार से। तृणमूल का सरोकार है अराजकता का अंधकार से। तृणमूल का सरोकार है हिंसा और अत्याचार के अंधकार से। दीदी की सरकार ने अंधकार दिया, डबल इंजन की भाजपा सरकार सोनार बांग्ला देगी। हमारा सपना सोनार बांग्ला, हमारा सपना सोनार बांग्ला, हमारा सपना, हमारा सपना, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा सिद्धांत, हमारा सिद्धांत। और इसलिए बार बार बीजेपी सरकार, इसलिए इस बार भी बीजेपी सरकार, इस बार जोर से छाप कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। आप यहां भारी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और मैं देख सकता हूं आपकी आंखों में, 2 मई का चुनाव नतीजा आपकी आंखों में नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बेनारसी 3 অধ্যায়, রাজকরণা রামনগর ও মঙ্গল বেনারসি, শাহ টেক্সটাইল।